أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सातवां पारा आज हम आगाज करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी छठा सातवां दोनों मैंने खोले हैं ना, तो मैं खोल वैसे इस वक्त छठा ही नहीं हूँ, लेकिन क्या सातवां नहीं। सूरह निसा बड़ी अहम सूरतों में से एक सूरा है जिसके अहकाम हम पढ़ रहे हैं। आपका रब फरमाता है ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सू की मिनल कौल, अल्लाह पसंद नहीं करता कि किसी बुरी बात को बुलंद आवाज से बयान किया जाए, इल्ला मा ज़ुलिम सिवाय इसके बाद इस बात के कि किसी पर जुल्म हुआ हो, यानी कि बुराई की तशहीर करना अल्लाह पसंद नहीं करते। जैसे आपका मीडिया करता है, किसी बेचारी औरत का रेप हो जाता है, फिर वो उसकी एक एक डिटेल को लेकर बैठ जाते हैं, करते हैं ना। अब आप देखें कि जैसे जैसे मीडिया क्राइम न्यूज को फैलाता है, वैसे वैसे क्राइम बढ़ भी रही। ये इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर खराबी होती है, शैतान ने बदी का भी डाला होता है, उन्हें समझ ही नहीं आती, उनको तरीके सिखा देते हैं एक तरह से। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा किसी बुराई को सरेआम बयान मत करो, बुराई का डंडोरा नहीं पीटा जाएगा सिवाय ये कि इंसाफ के लिए किया जाए। इंसाफ कहाँ होना है, मीडिया में नहीं, इंसाफ होना है अदालत में। अदालत में जब काम होता है वहां पर डिस्कशन होगी, वहां डिटेल भी होगी, लेकिन वो चंद लोगों तक महदूद रहता है। वो चंद लोग भी अमानतदार होते हैं, जज होता है, वकील होता है, अभी तो खैर किसी का कोई लेवल नहीं रह गया, मगर इस्लाम में तो ये लोग जो होते हैं ये बड़े ही रिस्पेक्टेबल होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वहां तक बात रहेगी। इस बात को सब के अंदर लाकर आम करना इस्लाम को पसंद नहीं, क्योंकि बुराई को जब आम किया जाता है, फैलाया जाता है, उसकी डिटेलिंग की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर उसके लिए एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। आप देखिए एक जमाने से ऐसा नहीं है कि जो फिल्में हैं उनके हीरो सारे बदमाशी होते हैं, बदमाशों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, एक्सेप्टेंस है। अच्छा कहते हैं जी हम इंसाफ की फराहमी के लिए करते हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए आप सिर्फ केस का रेफरेंस देकर भी बात कर सकते हैं, अगर मीडिया किसी को इंसाफ दिलाना चाहता है तो सिर्फ केस का रेफरेंस दिया जा सकता है कि भाई जिस खातून का रेप हुआ उसको इंसाफ दिलाया जाए, उसकी डिटेलिंग करना, उसके घुमा घुमा कर सवाल पूछना, लोगों में उसकी तशहीर करना। वो जो मुख्तारा बीबी केस हुआ था तो किस कदर इंसल्टिंग थी उसकी डिटेलिंग, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, और इसी तरह और बहुत सारी बातें। तो अल्लाह ने साफ कहा है बुराई को फैलाया नहीं जाएगा, सिर्फ ये है कि इंसाफ के लिए उसे बयान किया जाए अदालत में मुकर्रर लोगों के सामने। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, अल्लाह सुनता है, अल्लाह खूब जानता है। इन तुब्दु खैरन, अगर तुम कोई नेकी का काम जाहरत करोगे, और तुफू या छुपा लोगे, और ताफू या दरगुजर कर दोगे आंसू इन बुराई से, फइन अल्लाह कान अफूवन कदीरा, अल्लाह माफ करता है, कुदरत रखता है। नेकी के तीन पैमाने बयान हुए, नेकी करो खामोशी के साथ, नेकी करो एलानिया, और या फिर कोई बुराई का काम हो और तुम उसे दरगुजर कर दो, कोई दूसरा तुम्हारे साथ बुरा करे तो नजरअंदाज कर दो, तो ये भी नेकी है भाई। कौन करता है बुरा हमारे साथ, हमारे रिश्तेदार वगैरह कर जाते हैं ना, हो जाता है, कभी कोई कुछ ना जाता है, कभी कोई और कोई ऐसा रवैया कर जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसे नजरअंदाज करें। इन्नल लजीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, बेशक जो अल्लाह और रसूल का इनकार करते हैं, वो युरीदूना चाहते हैं, अन युफर्रिकु बैनल्लाहि व रुसुलिही, अल्लाह के और उसके रसूलों के माबैन फर्क डाल दें, यानी रसूलों के जो लाए हुए दीन है उनमें इख्तलाफ पैदा करें। सब रसूल एक ही दिन लेकर आए, आज यहूदियों का मुंह उधर है, ईसाइयों का उधर है, हमारा कहीं और, फिर एक नबी की उम्मत होकर हमारे हर गुरु का मुंह उधर उधर है। तो अल्लाह कहते हैं जो चाहते हैं कि रसूलों की राय तालीमात में तफादत पैदा कर दे, वही अब उलूना वो कहते हैं नुक मिनू भी बाद इन, हम ईमान लाए बाज पर बना फ्रू भी बाद इन, बाज का हम कुफर करते हैं। वही उलिदूना वो चाहते हैं आई या तखिजु बैना गाली का सबीला, कोई दरमियान का रास्ता निकाल दे। आपने कभी चाहा है
दरमियान का रास्ता। दीन में कोई बीच बीच का रास्ता निकल आए कभी जाए? सही कहा आपने। और हमारी अक्सरियत अभी भी दौरे जाहिलियत में है, तो पर्दा नहीं करना मुंह में मुसलमान तो दरमियान का रास्ता नहीं है। वैसे मैं मुसलमान हूँ, नमाज में पढ़ती हूँ, पर्दा नहीं मैंने करना। शोहर कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? मुझे शोहर की हाकिमियत कबूल नहीं है। है कुरान का हुक्म तो हुआ करें, मैं अपना कमाती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। दरमियान का रास्ता ये मर्द हजरात गाड़ी नहीं रखनी, सूद खाना है। हम मुसलमान हैं भी ठीक है, मगर हम पत्थर डाल के दौर में नहीं रहते, हम तो फिल्में देखते हैं, हम तो सिनेमा भी जाते हैं। इस सब दरमियान के रास्ते कुछ माना कुछ ना माना, तो अल्लाह कहते हैं ये जो तरीका है ना मुझे कबूल नहीं। देख ले आपका रब क्या कह रहा है, उलाए का उल काफिर ना हमका, ये है जो पूरे सच्चे काफिर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, जो दीन के बाज अहकाम को मान लेते हैं बाज को नहीं मानते, दरमियान का रास्ता निकालना चाहते। हम मुसलमान भी रहे और हमारी लज्जतें भी ना छूटे। तो अल्लाह पाक कहते हैं उलाए का उल काफिर ना हक्का, ये बड़े सच्चे मोमिन काफिर है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो अब देखे हम इसे कौन कौन इस पर आता है। बहुत सारी बातें जी, किसी औरत का शोहर दूसरी शादी कर ले, वो औरत और उसका सारा खानदान पीछे पड़ जाता, ये भी अल्लाह के दीन का इनकार। और इसके सिवा बहुत सारी चीजें, हर किसी का अपना मामला है, वो खुद देखे कि कहां पर वो अल्लाह के दीन को ट्विस्ट कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं जो बाज हिस्सों पर ईमान लाए बाज पर ना लाए, उलाएका हुमुल काफिरूना हक्का, ये सच्चे काफिर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बाज आ जाना है हमें इससे। काफिरों के लिए हमने तैयार कर रखा है। जो ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूलों पर, और रसूलों के लिए किसी हुक्म में कोई इख्तिलाफ राय पैदा नहीं किया, उलाई का सुफयुती उन्हें हम उनका अजर पूरा पूरा देंगे। तो जी ईमान लाने के बाद इख्तिलाफ राय नहीं किया, फिरकों में नहीं पड़े, उन्हें हम अजर देंगे। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बख्श लेता है, मेहरबान है। यस अलुका, वो आपसे सवाल करते हैं, अहले किताब या अहले किताब, अन तुनज़िला अलैहिम, कि आप उतार लाएं उन पर किताब, अन किताब मिन समाई आसमान से। अहले किताब कहते हैं कि आप एक बार लिखी हुई किताब क्यों नहीं ले आए, जैसे तौरात लिखी हुई आ गई थी। फकत सअलु मूसा अकबर मिन ज़ालिक, कोई बात नहीं मूसा से ये इससे बड़े सवाल पूछ चुके हैं। फकालू, उन्होंने कहा, अरिन अल्लाह जहरतन, अल्लाह खुली आंखों से दिखाओ। तो उन्हें पकड़ लिया बिजली की कड़क ने उनके जुल्म की वजह से। क्या कह रहे अल्लाह पाक कि काफिरों ने, हजरत यहूद ने कुफर जब किया, मूसा अलैहि सलाम से भी सवाल किए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इनकी आदत है। सुम्मत अखज़ुल इज्लम मिन बादी, उन्होंने बछड़ा बनाया, इसके बाद रोशन निशानी आ चुकी थी, फाफूनिका, हमने उनका ये गुनाह भी माफ कर दिया। वह आते ही ना मूसा सुल्तान नबीना, और मूसा को हमने इन पर खुला गलबा अदा किया। वह रफाना फो कहूरा, हमने इन पर तूर का पहाड़ उठाया भी मीसा की अहद लेने के लिए। वकुल ना, हमने इनसे कहा, सुजदन, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ सजरे करते हुए। वकुल ना लहुम ला दाद उसी सख्ती, और हमने उन्हें कहा सख्त के मामले में हद से ना बढ़ना। वह अहज ना मिन मीसा बन गलीजा, हमने उनसे पुख्ता वादा लिया था। फबी वा नकदी मीसा का हूँ, मगर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। वह कुफर ही कुफर किया उन्होंने, भी आयत अल्लाह अल्लाह की आयतों का। वह कत्ल ही मुल अंबिया, और नबियों को बिला सबब कत्ल करते रहे, बगैर इन हकीन, बगैर वजह के। वह कौल ही कुलूबुना गुल्फ, और इस पर वो कहते हैं कि हमारा दिल महफूज है, बल तबा अल्लाह अलैहा बिकुफ्रिहिम, नहीं अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी कुफर की वजह से। फला युमिनूना इल्ला कलीला, वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े बहुत लोग, बिकुफ्रिहिम, और उनके कुफर की वजह से। व कौलिहिम, और उनकी कौल की वजह से। अला मरियम अबूतान अजीमा, जो मरियम पर बहुत आने अजीम बांधते हैं। हजरत मरियम अलैहि सलाम है ना, तो उनका ये किस्सा बनाते हैं, आज भी आपको तौरात में मिलेगा कि यूसुफ नजार जो है वो उनके कजन थे, तो हजरत मरियम के वो शोहर है माजल्ला, तो हजरत मरियम की तो शादी नहीं हुई। तो अल्लाह कहते हैं जो बोहतान बांधते हैं ये मरियम पर, वकौलिहिम इन्ना क़त्लनल मसीह ईसा बिन मरियम रसूलल्लाह, और इस सबब से लानत है इन पर, ये कहते हैं कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम को जो अल्लाह का रसूल है कत्ल कर दिया। वमा क़त्लूहू, नहीं कत्ल हुए ईसा, वमा सलबूहू, ना उन्हें सलीब चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि ये उनके बारे में शुबे में पड़ गए। इन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलाम को कैद किया, कैद में डाला हुकूमत ने, और फैसला हुआ कि उन्हें सलीब चढ़ाया जाएगा। जब वो करीब आया
तो अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया। जब ये सजा देने के लिए आए तो कोठरी खाली थी। अब हुकूमत के लिए बहुत जिल्लत की बात थी ना कि एक फांसी का मुजरिम, कैद का मुजरिम भाग जाए। तो इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, लोगों को बताया, किसी आदमी को सीढ़ी चढ़वाया और कहा कि हमने ईसा को फांसी दे, ईसा को सलीब चढ़वा दिया। जो सहाबा थे ईसा अलैहि सलाम के, जो मोमिन थे, वो तो जानते थे और वो कहते रहे कि ईसा अलैहि सलाम फांसी नहीं दिए गए, मगर हुकूमत कहती रही फांसी दे दी। यहाँ तक कि फिर जब पॉल इज़्ज़ाम इजाद हुआ, यानी सेंट पॉल जब मुसलमान हुआ और उसने नई ईसाइयत की बुनियाद रखी, तब यह अकीदा उसने रासख करा दिया लोगों में कि ईसा अलैहि सलाम फांसी चढ़ा दिए गए। अल्लाह कहते हैं वमा कतलूहू वमा सलबूहू वलकिन शुब्बिहा लहू, ना कतल हुए ईसा, ना सलीब चढ़ाए गए ईसा, बल्कि ये उसके बारे में शुबे का शिकार है। वइन्नल्लज़ीना अख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन्हू, जिन्होंने ईसा के मामले में इख्तलाफ राय किया वो शक में पड़े हुए हैं। मालहू बिही मिन इल्म, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, इल्ला तिबा ज़न, सब अपने गुमानों की पैरवी करते हैं। वमा कतलूहू यकीनन, हरगिज़ कतल नहीं हुए ईसा, यकीनी बात है। बल रफअहू अल्लाहु इलैही, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ग़ालिब और हिकमत वाला है। अभी हमारे भी लोग ये कहते हैं, यानी हमारा भी एक ऐसा गुरुह है जो कहता है कि ईसा अलैहि सलाम फांसी चढ़ा दिए गए थे, जो अल्लाह पाक ने कहा कि बर रफअहुल्लाह, उसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने उनका दर्जा बुलंद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है जी, ईसा अलैहि सलाम बाकायदा आसमान पर उठाए गए, जिंदा उठाए गए, जवानी के आलम में गए, जवानी के आलम में लौट कर आएंगे, उनका लौट कर आना तय है। और वो काम करेंगे जो उनके सिवा कोई नहीं कर सकता, दज्जाल का कत्ल वो सिवाय ईसा के कोई नहीं कर सकता। तो ईसा वापस भेजे जाएंगे और ईसा अलैहि सलाम को आपके पोते पोतियां नहीं तो पड़पोते पड़पोतियां देखेंगे इंशाअल्लाह। बस जो भी हमें से देखे हालत ईमान पर देखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, जब मुसलमान दज्जाल के हाथों शिकस्त खाकर पीछे हटेंगे, दमिश्क के शहर में कलाबंद हो जाएंगे और सूरत हाल ये होगी कि मुसलमान जो है वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि दज्जाल के सामने टिक नहीं पा रहे होंगे। जोहर की नमाज अदा हो रही होगी, यानी उसकी तैयारी हो रही होगी और सफ़े बांधी जा रही होंगी, जब आवाज आएगी गैब से, आसमानों से, कि मुसलमानों तुम्हारा मददगार आ गया, तो मुसलमान देखेंगे कि जामिया मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनार पर ईसा उतरेंगे। उन्होंने दो फरिश्तों के बरोबर हाथ रखे होंगे, उनके बाल गीले नजर आएंगे, अगर से वो गीले होंगे नहीं, इनके देखने में गीले लगेंगे, सेट पैट लुक जिसे आप कहते हैं, और ईसा खूबसूरत आदमी होंगे, सुर्ख सफेद रंग के, और वो उतरेंगे मीनार पर उतरेंगे, फरिश्ते चले जाएंगे, ईसा फिर सीढ़ी से उतर कर नीचे आएंगे, मुसलमान उनके इंतजार में रुक जाएंगे, वो पहचान लेंगे, देखकर पहचान लेंगे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। तो ईसा उतर कर आएंगे तो इमाम महदी जो है वो कहेंगे आप इमामत कराएं, तो कहेंगे नहीं, आपके लिए अकामत कही गई, आप ही करा इमामत। उसूल यही है, जिसके लिए अकामत कही जाए वही इमामत कराता है, तो कहेंगे नहीं, अकामत आपके लिए कही गई, आप ही इमामत करें, और वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो नबी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता ना, ये किस बात की अलामत होगा कि ईसा अलैहि सलाम का ये आना बहसियत उम्मती है, बहसियत नबी नहीं। नमाज के बाद ईसा अलैहि सलाम शहर के दरवाजे खुलवाएंगे और शहर से बाहर आएंगे, दज्जाल उनको देखते ही पहचान लेगा और भागेगा, लेकिन ईसा काबू करेंगे, उसे नेजा मारकर कत्ल कर देंगे और नेजे पर उसका लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे और लोगों को यकीन हो जाएगा कि दज्जाल मारा गया, क्योंकि कह रहा होगा ना मैं अल्लाह हूँ, तो अल्लाह तो मर नहीं सकते, तो वो कहेंगे कि देखो ये तुम्हारा कैसा रहा भाई, तुम्हारा गया, मैंने उसे कत्ल किया। तो ईसा अलैहि सलाम के हाथों वो मारा जाएगा और ईसा को बहसियत ईसा सारी दुनिया पहचान लेगी, ईसाइयों की सारे ही ईसाई मान ले आएंगे, और मुसलमान तो लाए ही होंगे, हम तो ला चुके हैं, हमने और क्या ईमान लाना है। लिहाजा सारे ईसाई भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे, सिर्फ यहूद नहीं लाएंगे और यहूद मारे जाएंगे। ये सारे वाकयात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं। ईसा बाद में जिंदा रहेंगे, दुनिया में हुकूमत करेंगे, शादी करेंगे, और जब तक अल्लाह ने उनको जिंदगी दी है उनके जरिए असर हुकूमत चलेगी, फिर वो फौत होंगे और वफात पाएंगे और दफन भी होंगे मदीना में। बास तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कब्र की जगह है वहां दफन होंगे। बहरहाल इसकी कोई सही हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी, ज़ईफ है। उसके बाद फिर मुसलमानों की हुकूमत चलती रहेगी जब तक अल्लाह का हुक्म होगा, फिर कुफर फैलेगा, फिर कुफर गालिब आ जाएगा, इतना गालिब आ जाएगा कि मुसलमानों की सेह नहीं रहेगी, फिर मुसलमान मर जाएंगे सारे और उसके बाद एंड ऑफ टाइम। तो ये भी साबित होता है कि आखिरी जंग तीनों तलवारों से होनी है। तो आप ये नाम नेहाद तहजीब अपने खात्मे के करीब है। गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं, जनवरी फरवरी
और मार्च की बजाय जून ही आ गया सीधा, है ना। वो बच्चे मुझे कह रहे थे, नेबर के मेरे, कहने के आंटी इस दफा तो जनवरी फरवरी जून हो गया। मैंने कहा जी बेटी, और ऐसा ही होना। मैंने आपसे पहले भी शायद डिस्कस किया था, दुनिया में कुछ रेसिस बनाई जा रही है जानवरों की, जानवरों को मेट करा के तो बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो उन्होंने लाइगर बनाया, यानी लायन और टाइगर को मिलाकर बच्चे पैदा किए, तो उसको लाइगर का नाम दिया। तो एक जो है ना बिजली के नाम से एक रेस जानवरों की बनी है। बिजली कहते हैं जमीन के एक नस्ल है बीचों की, यूरोप वगैरह में पाई जाती है। और पोलर बेयर आपको पता है, जो बर्फानी बीच होते हैं। तो ये नस्ल बनाई नहीं गई, ये खुद बहुत बनी। 2012 में पहली मरतबा एक बिजली बेयर देखा गया, यानी कि पोलर बेयर और जमीनी बेयर का मुश्तरका बच्चा। फिर उसके बाद बहुत सारे देखने में आए, अभी 150 से ज्यादा हो चुके हैं जो देखे गए। अब ये बनाए नहीं गए, ये खुद बहुत बने। कैसे बने? वो कहते हैं जी पोलर बेयर बर्फ कम होने की वजह से उतर रहे हैं और बर्फ की तलाश में सफर करते हैं। सफर करते हुए रास्ते में उनका मिलाप होता है, टकराव होता है जमीनी रीछों के साथ, तो उनके मिलाप से फिर ये बच्चे पैदा हो गए। तो बर्फ कम होगी, ग्लेशियर पिघलने की तरफ आ रहे हैं। साइंटिस्ट आप अगर रिसर्च करेंगे आपको नक्शे भी मिल जाएंगे, उन्होंने नक्शे बनाए हुए हैं। उनका अंदाजा है कि जी बर्फ की ऊंचाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ये पिघले कितना पानी बनेगा, ये इलाका डूब जाएगा, ये बच जाएगा। उन्होंने अपने नक्शे बनाए हुए, कराची भी डूब जाएगा, बॉम्बे भी डूब जाएगा। ख्याल है आपका, उनका उनकी तवक्को से बहुत बड़ी तब्दीली आएगी जी। नस्लें तो बाकी बच जाएंगी, दुनिया का रंग बदल जाएगा और ये सारी तहजीब धरी की धरी रह जाएगी। और फिर एक नई नस्ल का, एक नए दौर का आगाज होगा। अकाइद यही होंगे, टूल्स बदल जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी धरी रह जाएगी और बाकी रहेगा वो सारा सिलसिला, और ये आखिरी सिलसिले फिर शुरू होंगे। तो ये जो अगले 60 साल है ये बहुत अहम है जी, इनमें ये सारे वाकयात पेश आ जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है हम में से कौन देखने के लिए जिंदा रहेगा कौन नहीं। दुआ असल यही है और यही होनी चाहिए, जो जिंदा रहे वो अहले हक में से। आमीन। अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, अल्लाह गालिब व हिकमत वाला रब है। व इन्ना मिन अहलिल व इन मिन अहलिल किताब, अहले किताब के जो लोग हैं, इल्ला लयूमिनुना बिही क़ब्ल मौतिही, वो ईसा की मौत से पहले उस पर ईमान जरूर ले आएंगे। जो भी अहले किताब है वो ईसा पर ईमान ले आएंगे। व यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, यकून अलैहिम शहीदा, उन पर गवाह होगा। फबि ज़ुल्म मिन अल्लज़ीना हादु हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम, यहूद के नाफरमानियों की वजह से हमने बहुत सारी पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल थी उन पर हराम कर दी। वह ईमान सबीलिल्लाह कसीरा, और ये सजा उन्हें मिली क्योंकि वो अल्लाह के रस्ते से कसरत से रोकने वाले थे। वह अख़ज़हुम रिबा, और वो सूद लेते थे। वक़्त नहु अनहु, हालांकि वो मना किए गए थे। वह अख़ज़हुम अमवाल अन्नास बिलबातिल, और वो लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। वह आतना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, इन काफिरों के लिए हमने अज़ाब अलीम तैयार कर रखा है। लेकिन राज़िकून फिल इल्म मिनहुम, हाँ उनमें कुछ लोग हैं जो इल्म में राज़िक़ हैं। वल मुमिनूना, और मोमिन हैं। युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, वो आप पर उतरी किताब पर ईमान ले आए। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और आपसे पहली किताबों पर भी ईमान रखते हैं। वल मुक़ीमीना सलाता, नमाज कायम करते हैं। वल मुतूना ज़कात, ज़कात पे करते हैं। वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखते हैं। उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, हम उन्हें उनका अजर अज़ीमन करीब अता करेंगे। इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहिन वन नबीय्यीना मिन बादिही, बेशक हमने वही की आपकी तरफ जिस तरह हमने वही की आपसे पहले नूह पर और उनके बाद वाले नबियों पर। वह अवहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात, और हमने वही भेजी इब्राहीम इस्माईल इसहाक याकूब और उनके बच्चों पर। व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, और वही भेजी हमने ईसा पर, अय्यूब पर, यूनुस पर, हारून पर, सुलेमान पर। व आतैना दाऊद ज़बूरा, दाऊद को भी हमने ज़बूर अता की। व रुसुलन, कई रसूल हैं, कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु, जिनके किस्से हम आपको इससे पहले सुना चुके हैं। व रुसुलन, और कई रसूल हैं, लम नक़्सुसहुम अलैक, हमने आपको उनका किस्सा नहीं सुनाया। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, मूसा भी तो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। रसूल मुबशरीन व मुनज़रीन, ये सारे रसूल हैं, इनका काम था जन्नत की खुशखबरी सुनाना, जहन्नुम से आगाह करना। लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रसूल, रसूल हमने भेजे ताकि रसूलों के बाद आने के बाद इंसानों को अल्लाह के साथ बहस करने का कोई जरिया ना मिले। यानी कयामत के दिन लोग ये ना कहे अल्लाह हमें कौन सा बता था कि आपने हिसाब ले लें। वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ग़ालिब और हिकमत वाला रब है। लेकिन अल्लाह यशहदु बिमा अंज़ला इलैका, अल्लाह गवाही देता है उस कलाम के बारे में जो आप पर उतारा गया।
अनजलाहु बिइल्मिही कि उसने इसे अपने इल्म से उतारा, वल मलाइकातु यशुदूना और फरिश्ते भी इस पर गवाह हैं, वकफा बिल्लाही शहीदा अल्लाह की गवाही काफी है इसके लिए। इन्नल्लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जो काफिर हैं, वसद्दू और रोकते हैं, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, वद्दल्ला दलालम बईदा वो भटक कर दूर निकल गए हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जो काफिर हैं, वज़लम और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु और उन्होंने जुल्म किया, नहीं है अल्लाह लियग़फिरा लहुम के माफ कर दे उन्हें, वला लियहदियहुम तरीका और ना उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देगा। वो लोग जो काफिर हैं और जुल्म करते हैं यानी कि मुशरिक है, जुल्म से मुराद शिर्क है, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा ना उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देने वाला है। इल्ला तरीका जहन्नम सिवाय इसके उन्हें जहन्नम का राह दिखाए, खालिदीन फीहा अबदा वो हमेशा उसमें रहेंगे, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा और अल्लाह पर ये बड़ा आसान है कि किसी को जहन्नम में डाल दे। या अय्युहन नासु या इंसानो कद जाअकुम रसूला तुम्हारे पास रसूल आ गया, बिलहक सच लेकर, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फआमिनू खैरल्लकुम अगर ईमान लाओ तुम्हारे हक में अच्छा है, वइन तकफुरू अगर कुफर कर दोगे, फइन्नल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ध तो अल्लाह को तुम्हारे कुफर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आसमान और जमीन सब अल्लाह की मलकियत है, वकान अल्लाह अलीमन हकीमा अल्लाह इल्म वाला है और हिकमत वाला है। या अहले किताब ही अहले किताब ला तग़लू फी दीनिकुम अपने दीन में गलत मत करो, अपने दीन के मामले में हद से बढ़ो, हद से ना बढ़ो, वला तक़ूलू मत कहा करो अल्लाही अल्लाह के बारे में इल्ला अल्हक सिवाय सच के, अल्लाह के बारे में झूठ मत कहो, इन्नमल मसीह ईसा बिन मरियम बेशक मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल हैं, वकलिमातुहु उसका कलिमा है, अलका जो उसने उतारा, इला मरियमा मरियम की तरफ, रूह मिन्हु और उसकी तरफ भेजी हुई एक रूह है, यानी ईसा बिन मरियम अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह के एक बंदे हैं, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। फ़ामिनु बिल्लाही ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, वला तकुलु सलासा मत कहो कि तीन है खुदा, इंतहु खैरल्लकुम रुक जाओ तुम्हारे हक में अच्छा है, इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद अल्लाह तो वो ही है जो इलाह वाहिद है, सुबहानहु वो पाक है, अन यकुना लहु वलद इस बात से कि उसकी औलाद हो, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध आसमान और जमीन की हर चीज उसके लिए है, वकफा बिल्लाहि वकीला कार साजी को अकेला काफी है, लन यस्तनकिफुल किफल मसीहु अन यकुना अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुकर्रबून आग महसूस नहीं होती, शर्म नहीं आती मसीह को इस बात पर कि वो अल्लाह का बंदा है और ना ही फरिश्तों को जो मुकर्रब हैं, यानी तुम्हें लगता है कि अल्लाह का बंदा होना शर्मिंदगी की बात है, तो ईसा को ऐसा नहीं लगता ना फरिश्तों को, सबसे बड़ा आजाज ही ये है जी कि हम अल्लाह के बंदे हैं। वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही जो अल्लाह की बंदगी में शर्म महसूस करे, व यस्तकबिर तकब्बुर करे, फसा यहशुरुहुम इलैही जमीया तो हम उन सबको इकट्ठा करने वाले हैं अन करीब। वअम्मल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति तो ईमान वाले नेकोकार लोगों का मामला है जहां तक, फयुवफ्फीहिम उजूरहुम हम उन्हें उनका बदला देंगे पूरा, वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही और अपने फजल से ज्यादा अता करेंगे। वअम्मल्लज़ीना इस्तनकफू और जिन्होंने अल्लाह की बंदगी में जिल्लत महसूस की, वस्तकबरू और अपने आप को बड़ा समझा, फयुअज़्ज़िबुहुम हम उन्हें अज़ाब देंगे, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब, वला यजिदूना नहीं वो पाएंगे, लहू अपने लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा वलियन हमायती वला नसीरा ना मददगार। या